हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सुसाइड। देखिए, सुसाइड जो टॉपिक है हमारा इंडियन पिनल कोड का, IPC का, इसका मतलब जान लेते हैं। सबसे पहले सुसाइड का क्या है। सुसाइड का मतलब कि किलिंग ऑफ आर सेल्फ, सेल्फ किलिंग। जो सुसाइड है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो उस टाइम पर भी ये पनिशेबल एक्ट था। तो उस टाइम पनिशमेंट कैसे देते थे हिस्ट्री में, तो इसकी हिस्ट्री में जो पनिशमेंट थी वो ये थी कि प्रॉपर्टी जो थी एक पर्सन की जो सुसाइड करता था उसकी फॉरफिट कर ली जाती थी। तो हिस्ट्री में ये बात थी। लेकिन जो अब मॉडर्न डेज में है हमारे इंडियन पिनल कोड में, IPC में, तीन सेक्शन इससे डील करते हैं। कौन कौन सा? सेक्शन 305, 306 एंड 309। देखिए, सुसाइड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला अबेटमेंट टू सुसाइड और दूसरा अटेम्प्ट से। जो हमारा अबेटमेंट है उसके लिए हमारे पास दो सेक्शन हैं, 305 और 306, और जो अटेम्प्ट है उसके लिए एक सेक्शन है, 309। तो चलिए, सबसे पहला सेक्शन 305। सेक्शन 305 बेरेट बोलता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इंसेन पर्सन। हेडिंग को एक बार अगर हम समझें तो हेडिंग हमारी ये क्लियर करती है कि आप अबेट ऐसे इंसान को करते हैं जो कि एक बच्चा है या वो इंसेन है। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें और अच्छे से क्लियर करती है। देखिए, एक्सप्लेनेशन जो है इसकी वो बोलती है, इफ़ एनी पर्सन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, एनी इंसेन पर्सन, एनी डिलीरियस पर्सन, एनी इडियट और एनी पर्सन इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन कमिट्स सुसाइड, हूएवर अबेट्स द कमीशन ऑफ सच सुसाइड शैल बी पनिश्ड विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो देखिए, ये हमें सेक्शन 305 इस बात से क्लियर करता है कि अगर कोई पर्सन ऐसे पर्सन को अबेट करता है जो कि 18 साल से नीचे है, पर्सन नहीं बेसिकली चाइल्ड, और जो पर्सन होगा वो कैसा होगा, वो होगा इंसेन पर्सन, एनी डिलीरियस पर्सन, कोई इडियट, या कोई ऐसा पर्सन जो ऐसी स्टेट में हो, जो इंटॉक्सिकेटेड हो, जिसका माइंड उसके कंट्रोल में ना हो, तो वो इंटॉक्सिकेशन के अंदर आ जाएगा। ऐसे पर्सन को आप कोई अबेट करते हैं सुसाइड करने के लिए, तो आप वहाँ पर पनिशेबल होंगे सेक्शन 305 के अंदर। बेरेक्ट में जो वर्ड यूज़ किया गया है इंसेन, देखिए इंसेन का जो इंसैनिटी है वो दोनों टर्म्स में यहाँ पर कंसिडर होगी, चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो लीगल हो। लेकिन अगर वहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया होता कि मेंटली अनफिट, तो वहाँ पर मेंटली अनफिट का मतलब ये हो जाता कि सिर्फ लीगल इंसैनिटी ही वहाँ पर कंसिडरेशन में आएगी। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ सिंपल सा कि 305 के अंदर लाने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपको उन पॉइंट्स के अंदर लाना पड़ेगा, या तो वो 18 साल से छोटा हो, या इंसेन हो, या मेंटली अनफिट हो। मेंटली अनफिट नहीं, सॉरी, वहाँ पर वर्ड इंसेन यूज़ किया गया है। तो अगर ऐसे कोई टर्म्स हैं तो उसके बाद देखना है कि वहाँ पर सुसाइड कमिट हुआ है। तो चलिए, अगला सेक्शन, सेक्शन 306। सेक्शन 306 हमारी बात करता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की, सिंपल अबेटमेंट की बात करता है सुसाइड के लिए। यहाँ पर जो है वो ऑल अदर रिमेनिंग ऑफ सेक्शन 305 विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 306। देखिए, बेसिकली सेक्शन 306 को लाने का मतलब क्या है, इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि सुसाइड प्रूव हो। सबसे पहला कंडीशन क्या है 306 का, कि सुसाइड प्रूव होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही सेक्शन 306 के इंग्रेडिएंट्स वहाँ पर लगेंगे। तो बेसिकली सेक्शन 306 हमारा यही बात करता है कि जो अबेटमेंट है सुसाइड के लिए वो प्रूव होनी चाहिए। अगर वो प्रूव होगी तो वहाँ पर पनिशमेंट कितनी होगी, 10 साल तक की। यहाँ सेक्शन 306 अगर हम बेरेट की रीडिंग ले एक बार, ये बोलता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, इफ़ एनी पर्सन कमिट सुसाइड, हूएवर अबेट्स द कमीशन ऑफ सच सुसाइड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन और बोथ। इसका जो कमेंट है सेक्शन 306 का, ये इस बात से क्लियर करता है कि वहाँ पर इंटेंशन होनी चाहिए सुसाइड कमिट करवाने की। इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली, देखिए, इस बात से कहने का मतलब ये हुआ कि जो सुसाइड है वो कैजुअल रिमार्क्स नहीं होने चाहिए। कैजुअल रिमार्क क्या होते हैं, इसको एक बार समझ लें आप। कैजुअल रिमार्क होते हैं कि जैसे कोई पर्सन एक एंगर में किसी को बोल देता है, जैसे कि फादर अपने सन को बोल देता है कि तू पढ़ता नहीं, तू मर क्यों नहीं जाता, कि तू जब पैदा हुआ यही हमारे लिए दुर्गति थी, यही हमें नुकसान हो गया। तो ये जो टर्म है ये इसमें कवर नहीं होगी। इसके लिए मेरे पास एक केस है स्वामी प्रभदास वर्सेस स्टेट ऑफ MP का। स्वामी प्रभदास वर्सेस स्टेट ऑफ MP का ये केस जो है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, 1995 सुप्रीम कोर्ट का है, इसमें यही क्लियर किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि मेयर जो सजेशन है नॉर अ रिमार्क, और ये जो पर्सन को सजेशन किए जाते हैं और जो छोटे मोटे रिमार्क्स होते हैं ये इसके अंदर कवर नहीं होंगे, ये सुसाइड के अंदर नहीं आएंगे। लेकिन इसके अंदर आएंगे कौन से, बहुत सी बातें और हैं जो कि इसमें आ सकती हैं।
उसके लिए केस है गुरबच्चन सिंह वर्सेस सतपाल सिंह 1990 सुप्रीम कोर्ट का। ये केस जो है ये डील करता है बेसिकली मैरिज से। अगर कोई वुमेन के ऊपर क्रुएलिटी इतनी हो चुकी है, अगर उसको इतना ज़्यादा प्रोवोक किया गया है, इतना ज़्यादा हरास किया गया है और उसने सुसाइड कर लिया, तो वो यहाँ पर इसके अंदर आ जाएगा, वो अबेटमेंट के अंदर यहाँ पर आ जाएगा। अगर उसे सुनाते हैं, उकसाते हैं ऐसा कोई गलत स्टेप उठाने के लिए, तो वो यहाँ पर मेरे का आ जाएगा। वो यही था इस केस के अंदर बेसिकली, कि एक न्यूली मैरिड वुमेन थी और वहाँ पर सफिशिएंट एविडेंस मिल गए थे कि उसके ऊपर क्रुएलिटी और हरासमेंट हुई है और उसने खुद को आग लगा ली। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि जो प्रोवोकेशन है वो मेयर इनफ थी उनकी, वो क्रुएलिटी उसके ऊपर वुमेन के ऊपर, कि उसने वहाँ पर सुसाइड कमिट कर लिया। लेकिन कुछ और जजमेंट्स भी हैं जो कि एक अलग प्रोस्पेक्टिव की बात करती हैं, जो कि ये कहती हैं कि अगर कोई मैरिड लाइफ में अगर छोटे मोटे क्वेरल्स होते हैं तो वो उसके अंदर कवर नहीं होंगे। जैसे कि एक केस है संजय सिंह वर्सेस एमपी 2002 सुप्रीम कोर्ट का है। इसके अंदर बेसिकली क्या हेल्ड हुआ कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर कोई छोटे मोटे क्वेरल्स होते हैं और उस एंगर के अंदर हस्बैंड बोलता है कि जाओ तुम चली जाओ, जाओ तुम मर जाओ, तो वो जो है वहाँ पर इस चीज़ में कवर नहीं होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली बोला है कि ये जो क्वेरल हैं छोटे मोटे मैरिड लाइफ का ही एक ये पार्ट हैं, तो ये इसके अंदर कमिट नहीं होगा। और एक अगली बात वो ये है कि अबेटमेंट के अंदर एक अलग प्रोस्पेक्टिव आया, जो कि एक हिस्ट्री की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये है सती प्रोस्पेक्टिव। जो लेडी सती होती थी और जो पब्लिक क्या करती थी बेसिकली, देखिए आप इसमें कि जब वुमेन कोई सती होती थी तो क्या करते थे लोग, बोलते थे कि सती माता की जय, और उसके ऊपर घी डालते थे और बहुत कुछ चीज़ें डालते थे ताकि जब वो लेडीज़ अपने आप को जलाए तो वो एकदम से फायर पकड़ ले। तो वो जो केसेस हैं, ऐसे जो एक्ट्स हैं जो वो पब्लिक वो एक्ट कर रही है, जो घी डाल रही है, जो बोल रही है, वो उसके अंदर कवर होंगे। इसके लिए मेरे पास एक केस है मोहित पांडे वर्सेस एम्परर का 1871 का, तेज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का 1958 का, राजस्थान हाई कोर्ट का। तो यही एक बात बोलते हैं इन दोनों केसेस में बेसिकली यही क्लियर किया कि अगर एक विडो अपने आप को सती करती है तो वहाँ पर उसको इंस्टिगेट करना, उसको अबेट करना, उसके ऊपर घी वगैरह डालना, तो वो एक अबेटमेंट टू सुसाइड के अंदर आएगा। फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक आता है हमारा, बहुत ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए ये सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। देखिए ये जो सेक्शन है ये बहुत ही क्रूशियल है और इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज चली हैं, वेरियस जजमेंट्स भी बताऊँगा, आप वो प्लीज़ नोट करेंगे। देखिए ये जो सेक्शन है अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड, बेसिकली ये सेक्शन हमें क्या क्लियर करता है कि एक पर्सन सुसाइड करने गया लेकिन बच गया तो उसे भी यहाँ पर पनिशमेंट दी गई है। लेकिन इसकी कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हैं वो भी आपको बताऊँगा। देखिएगा सबसे पहले बेर एक्ट सेक्शन 309, सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, Whoever attempts to commit suicide and does any act toward the commission of such offence shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year. यहाँ पर पनिशमेंट दी गई है 1 year की, और विद फाइन और विद बोथ। बेसिकली सेक्शन 309 जो है अटैम्प्ट है, इसकी एक हिस्ट्री है, वो ये है कि जो ये अटैम्प्ट टू सुसाइड है ये कोई पनिशेबल ऑफेंस नहीं था, ये बाय द लॉ बाय द टाइम ये पनिशेबल बनाया गया। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अभी भी कंट्रोवर्सी में है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, वेरियस एक जजमेंट्स है मेरे पास, आप अगर नोट करें मारुति दुब्बल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1987 का। इस केस के अंदर बेसिकली क्या हुआ, आर्टिकल 21 कोट किया गया। वो ये कहते हैं कि जो आर्टिकल 21 है वो ये बोलता है राइट टू लाइफ, और जो राइट टू लाइफ है वो इक्वलेंट टू राइट टू डाई है, क्योंकि हमारे फर्दर सेक्शंस जो हैं वो भी यही फर्दर आर्टिकल्स हैं वो भी इसी बात को क्लियर करते हैं कि अगर वो एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव की बात करते हैं तो वो एक नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव की बात करते हैं। जैसे कि आर्टिकल क्या बोलते हैं, राइट टू मूव है, तो राइट टू मूव का मतलब क्या है कि अगर आपके पास राइट टू मूव है और राइट टू नॉट टू मूव भी है तो ये भी आपके पास एक वाइस वर्सा राइट है। तो यहाँ पर भी यही कोट किया गया और जजमेंट में हेल्ड किया कि जो सुसाइड है वो एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। इसके बाद एक दिल्ली हाई कोर्ट की भी जजमेंट आती है स्टेट वर्सेस संजय कुमार का। इसके अंदर क्या हुआ कि एक मदर की डेथ हो गई तो उसके जो बेटा था उसने टिक 20 पी ली। टिक 20 एक केमिकल होगा कोई, मुझे पता नहीं है बेसिकली, तो टिक 20 उसने ड्रिंक कर ली और उसने अटेम्प्ट टू सुसाइड कमिट कर दिया लेकिन वो बच गया। तो वहाँ पर उसके ऊपर केस चला, तो वहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही उन्होंने, वो ये कि जो सेक्शन 309 है कि वो स्टक आउट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा जो है वो अपनी माँ के बिना नहीं जी सकता, उसकी लाइफ कुछ भी नहीं थी उसके बिना, और वो अपना पालन पोषण कैसे करेगा।
इन दोनों जजमेंट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट में तो बातें जानी थी, तो सुप्रीम कोर्ट में भी गई 1994 में केस हुआ पी राथी नाम एंड नागभूषण पटनायक वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। कौन सा केस है? पी राथी नाम एंड नागभूषण पटनायक वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया दोनों जजमेंट्स को। क्या कहा? कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट कहती है और दिल्ली हाई कोर्ट कहती है, ये दोनों बात बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि जो आर्टिकल 21 है वो यही बात बोलता है कि राइट टू लाइफ है, और अगर राइट टू लाइफ है तो राइट टू डाई भी है। तो सुप्रीम कोर्ट उसमें एक और बात कहती है कि अगर कोई पर्सन जीना नहीं चाहता और वो जीता है तो वो भी एक उसके लिए पनिशमेंट है। सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी बात कह देती है। लेकिन उसके बाद एक 5 जजेस का बेंच बैठता है। कौन सा? ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 1996 का। ये पेपर के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेशक आप LLB कर रहे हैं या आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, नोट कर लें इसे। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 1996 सुप्रीम कोर्ट का। इसने सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती को माना कि जो पिछली हमने जजमेंट दी थी कि वो हम यहाँ पर कंटिन्यू नहीं करेंगे, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिवर्स किया अपनी जजमेंट को और कहा कि जो राइट टू लाइफ है वो इक्वलेंट टू राइट टू डाई नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली इस बात को कह दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक और पॉइंट डाल दिया, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर दे दी उन्होंने, कि कोर्ट अगर चाहे तो वहाँ सजा दे सकती है, वरना रिलैक्सेशन देकर उसे छोड़ भी सकती है। वो केस टू केस वेरी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो शैल वर्ड है, यहाँ पर देखिएगा सेक्शन 309 में क्या वर्ड यूज़ किया, शैल बी पनिश्ड। शैल का मतलब क्या हुआ? कोर्ट पर बाइंडिंग होगा वो। लेकिन इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया, इस शैल को यहाँ से डिस्क्रिशनरी पावर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इसीलिए ही आपको ज्ञान कौर की जो जजमेंट है ये पढ़नी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आती है इस टॉपिक के लास्ट पॉइंट, वो ये है, एक जजमेंट है कॉमन कॉज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 9th March 2018 की है ये। इस जजमेंट में ये कोट कर दिया, ये क्लियर कर दिया कि जो पर्सन है वो अपनी एक विल दे सकता है डेथ की, मरने से पहले, कि अगर इस ऑपरेशन में अगर मैं वेंटिलेटर पर चला गया तो मुझे वहाँ पर वेंटिलेटर से हटा दिया जाए और मेरी डेथ कॉज होने दी जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जजमेंट दी, क्योंकि ये देखिए इसमें दिया था, ये 241st रिपोर्ट जो थी लॉ कमीशन की, उसमें इस बात को क्लियर किया गया कि एक पर्सन जो है वो अपनी विल दे सकता है डेथ होने से पहले। डेथ होने से पहले अगर वो अपनी विल दे देगा तो वहाँ पर उसकी वहाँ पर वो कंसिडरेशन हो जाएगी। तो आई होप कि गाइज आपको ये जो सुसाइड का टॉपिक है, दो एस्पेक्ट मैंने आपको बताए, अबेटमेंट का और अटेम्प्ट का, तो नोट ज़रूर बना ले गाइज, और इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।